हेलो जी स्वागत प्रणाम आपका एक और नए ब्लॉग में जम्मू कश्मीर के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे खूबसूरत गांव से तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है ये बहुत इंटरेस्टेड रहने वाला है और बहुत देर के बाद मेरा ब्लॉग हो रहा है और हम आज आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाले खरी रेलवे स्टेशन की उसी के साथ देने वाला है संगलदान रेलवे स्टेशन की तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं कमर की पेटी बांध के सीधा जा रहे हैं हम खरी रेलवे स्टेशन पे और लेंगे देंगे आपको लेटेस्ट अपडेट खरी रेलवे स्टेशन की तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं खरी रेलवे स्टेशन पे और ये देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे टू ट्रैक्स का जो कि डाले गए हैं दो पटरियाँ टू लूप्स और उसी के साथ आपको देख रहे हैं जहाँ पे स्टेशन और टनल 50 जो कि इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल है ये भी मुकम्मल हो चुका है इस स्टेशन का मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है आप सभी को पता है अगर आप मेरे चैनल पर पहले से वीडियो देखते आए हैं तो ये रहा एक छोटा सा नाले का यहाँ पे खड़ी रेलवे स्टेशन पे एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है पे पूरा आयरन का ब्रिज है जे यहाँ से ट्रेन गुजरेगी और यहाँ पे सब्सिट्यूट देखिए आप पटरी भी डाली हुई है ये भी मुकम्मल हो चुका है और इस स्टेशन पे पहले आप सभी को पता है ओ एच केबल्स यहाँ पे छोटे छोटे कोच्स जो हैं ट्रेन यहाँ पे उनका ट्रायल यहाँ पे लिए गए हैं तो निरीक्षण यहाँ पे किया गया उनका यहाँ तक ट्रेन जो है वो चालू कर दी गई लेकिन अभी चल नहीं रही है तो काफ़ी यहाँ पे निरीक्षण होते रहे हैं और उसी के साथ सुबर रेलवे स्टेशन को भी जो है ओपन जल्द ही कर दिया जाएगा आप सभी को पता ही है और ये देखिए ये टिकट घर है खरी रेलवे स्टेशन का ये भी बनके बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है साफ सफ़ाई आप देख रहे हैं अभी तक कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट नहीं हुई है तो इसी के साथ ये सामने दिख रहा है आपको टनल फिफ्टी अभी आपको बीच से भी दिखाएंगे और जो इलेक्ट्रिक पिलर्स यहाँ पर पोल्स लग चुके हैं पूरे वायरिंग पूरी बिच चुकी है ये स्टेशन बनके दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देंगे सुंबर रेलवे स्टेशन की और इसी के साथ हम आपको अंदर से अभी टनल की अपडेट देने वाले हैं ये देख सकते हैं सामने टनल फिफ्टी जो कि हमारे देश का सबसे लंबा टनल है और इसी वीडियो में हम आपको अपडेट देंगे अब संगलदान रेलवे स्टेशन की कि संगलदान रेलवे स्टेशन का, का काम कैसे चल रहा है दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं अब हम थोड़ा रास्ता भी गंदा है यहाँ पे संगलदान वाली साइड तो काफ़ी खतरनाक रास्ता है संगलदान वाला और ये रहा हमारा जी संगलदान रेलवे यार्ड ये देख सकते हैं यहाँ पे फुट ऑफ ब्रिज भी बनाया जा रहा है उसका काम भी काफ़ी स्पीड से संगलदान रेलवे स्टेशन का काम काफ़ी हाँ हद तक जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है दोस्तों तो अभी हम कह सकते हैं कि संगलदान रेलवे स्टेशन पे टाइम लग सकता है तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहेगा लेकिन बहुत जल्द आपको संगलदान रेलवे स्टेशन भी जो है कंप्लीट देखने को मिलेगा और ये देखिए कुछ वायरिंग का कुछ तारें बिछाने का काम यहाँ पे डगिंग एग्जीबिशन चल रही है क्रेन द्वारा और कर्मचारियों द्वारा तो काफ़ी स्पीड से इस संगलदान रेलवे स्टेशन का काम भी किया जा रहा है दोस्तों ये देख सकते हैं अभी हम आपको आगे जाके दिखाने वाले हैं यहाँ पे कितना अच्छा से काम इसका किया जा रहा है क्रेन्स काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसका काम किया जा रहा है ये देख सकते हैं ये देखिए ये संगलदान रेलवे स्टेशन है और काफ़ी मशीन्स यहाँ पे मशीनरी का यूज़ किया जा रहा है और ये जगह बिल्कुल जो है ये देखिए ऊपर से आपको व्यू दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा संगलदान रेलवे स्टेशन का ये देखिए अभी यहाँ पे रूफिंग होनी है जो भी रूफ रॉफिंग और जहाँ पे ये देखो आपको फुट ऑफ ब्रिज दिख रहा है ये थोड़ा सा और इसको भी मुकम्मल करना है यहाँ पे ट्रैक्स तो बीच चुका है दोस्तों लेकिन अभी वहाँ पे कंक्रीटिंग नहीं की गई है पूरी टोटल तो काफ़ी वक्त इस स्टेशन को लगने वाला मुकम्मल होने वाला क्योंकि ये ज़मीन के लेवल से थोड़ा नीचे बनाया जा रहा है तो इसको वक्त लगेगा और जहाँ पर बरसात मौसम जो है एकदम स्टेबल नहीं रहता है ये देख सकते हैं टनल ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम लगे और ये काफ़ी जो है टाइम कंज्यूमिंग वर्क था ये देखिए यहाँ पे कंक्रीटिंग अभी की जा रही है ये देख सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था पीछे और ये देखिए टनल भी आपको दिखाएंगे टनल का, का काम कंप्लीट हो चुका है मैक्सिमम लेकिन बाहर जो रेलवे स्टेशन है उसका और वो वो जो केबल्स हैं फुट फुटा ब्रिज है उसका और जो बाहर स्टेशन है उसका काम काफ़ी पेंडिंग है हद तक ज़्यादा पेंडिंग है तो वो काम जो है उसको करने का काफ़ी समय लग रहा है जिसके कारण जो है डिले किया जा रहा है यू एस प्रोजेक्ट और ठंड भी बहुत पड़ रही है इस समय आप सभी को पता है तो ऐसे ठंड में दस बजे तक तो दिन नहीं चढ़ता है जिसके कारण परेशानी आती है कर्मचारियों को काम करने में और ये और टनल्स में काम करना इस समय बहुत ज़्यादा टफ़ है आप सभी को पता है कि टनल में धूप नहीं बजती है जिसके कारण कर्मचारी इतना काम नहीं कर पाते हैं ये देख सकते हैं ये पूरा संगलदान यार्ड रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे पटरी भी बिछाई जा रही है साथ साथ में कंक्रीटिंग की जा रही है और साथ साथ में ये देख सकते हैं ब्लस ट्रैक जो है वो भी उसको डाला जा रहा है अभी चलते हैं हम टनल वाली साइड तो ये रहा जी संगलदान वाला टनल और इसके में भी जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे भी पट्टी डाली गई है और साथ में उसको कंक्रीट भी किया जा रहा है तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों